हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो मेरा ये टॉपिक है कि हमें अपने रूल्स को ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें लगातार अपने रूल्स पर ही कायम रहना चाहिए। जो अपना एक ट्रेडिंग प्लान होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, या जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जितने भी स्टॉक एनालिसिस किए हैं उनको लेकर एक क्वेश्चन बार बार मेरे व्यूअर्स का, मींस हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो सब्सक्राइबर्स के रूप में हैं और व्यूअर्स के रूप में हैं, तो उनका हमेशा से एक क्वेश्चन आया है कि विवेक भाई, आप हमेशा एक बात करते हो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही परचेज करना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ एनालिसिस में मैंने ऊपर के लिए भी बाय करने के लिए अपनी एनालिसिस की है कि मुझे वो वहाँ पर भी नज़र आता है और से भी उसको अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे अच्छा खासा उसमें स्कोप नजर आता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही बाय करना चाहिए, और दूसरी तरफ फिर ये चीज आ जाती है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी वहां पर बाइंग ऑप्शंस हैं। तो किस चीज को सही माने और किस चीज को सही नहीं माने, तो देखो मैं इसके ऊपर एक थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आया हूं कि सबसे पहली बात तो जितनी भी मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए करता हूँ, मेरी कोई भी उसमें स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होती। तो एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये कि देखो हमें ना मार्केट में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होना पड़ता है, उसके सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। हम कोई भी एक ही मतलब एक ही रूल के हिसाब से लगातार चल नहीं सकते। रूल्स हमारे होने चाहिए, लेकिन कब रूल्स को तोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर मैं एक बात कहूं कि अगर मैं क्रिकेट की भी बात करूं तो बहुत बार क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग करने के लिए बोल दिया जाता है या सहवाग को बॉलिंग करने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर और सहवाग के वहां पर बॉलिंग करने के लिए गए हैं? नहीं, वो तो बैटिंग करने के लिए गए हैं, दे आर द बैट्समैन। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी बॉलर होते हैं वो पिट रहे होते हैं और उनकी बॉल पर छक्के चौके जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा सब कुछ चेंज करने के लिए और जो उस टाइम पर बैट्समैन होता है उसको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए डिफरेंट ही बिल्कुल बॉलिंग स्टाइल में सचिन तेंदुलकर को या सहवाग को बॉलिंग करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज को मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा मना करता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब यहां पर पीएसयू से है, लेकिन मैंने पहले अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें जितने भी हमारे सरकारी बैंक हैं उन सबके शेयर्स को लेकर मैंने एनालाइज किया था, और उस एनालिसिस में यहां पर यह फाइंड आउट किया था कि जो उनकी बुक वैल्यू है, शेयर प्राइस उनके बुक वैल्यू से हाफ या 1/3 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो इतनी ज्यादा ग्रेट थी कि मैंने अपने ही रूल्स तोड़कर मार्केट में पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर एनालाइज किया था, और वहां पर अपॉर्चुनिटी थी। और आपने उसके बाद देखा होगा कि जितने भी वो 5-6 बैंक की मैंने एनालिसिस की थी, जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स, वो सारे सरकारी बैंक 10-12-15% के आसपास तक चल चुके हैं। तो जहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो वहां पर इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। अब सेम चीज है हमारी जो जितने भी मैंने रिसेंट में स्टॉक एनालिसिस की है, और जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होने के बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई है और उस चीज को एनालाइज किया है, तो उन सब में अगर एक बात कॉमन देखोगे ना आप, तो वो ये है कि उन सभी का जो करंट प्राइस है और जो ऑल टाइम हाई है उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम 25-30-40% 50% तक का गैप है। तो ये जो ऑल टाइम हाई तक पहुंचने का जो गैप है ये इतना ह्यूज है कि उसके नीचे अगर वो थोड़ा सा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे तक आए भी तो भी मैं उस चीज को मतलब इग्नोर कर रहा हूं। मैं उसको 200 दिन मूविंग एवरेज तक पहुंचने से पहले ही मैं उसको बाय करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर दो सिनेरियो हैं। देखो, या तो करंट प्राइस से वो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा या 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब हम उसको बाय करें। तो अगर नीचे जाएगा तो ऊपर जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रेट कंपनी है, इसके हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आए हैं, इसके मतलब जो भी मैंने एनालिसिस किए पिछले कुछ दिनों में, तो वो अगर नीचे आता है तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो नीचे आता है तो ठीक है यार, 1-1.5 महीना फालतू तो लग जाएगा, लेकिन एक साल के अंदर अंदर अगर वो 40-50-60% तक का गेन देता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर यहीं से सीधा ऊपर चला गया और नीचे नहीं गया, और हमने इसलिए बाय नहीं किया कि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब नीचे जाके बाय करना चाहिए, तो ये रैली ना मिस हो जाएगी। तो ये जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे मैं बाय करने के लिए कहता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऑल टाइम हाई से
कोई चीज 40% 35% 50% नीचे चल रही है ना, और यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाने के चांसेस और आपके पास रीजंस हैं, और वो चार्ट पैटर्न भी इस तरह का डेवलप हो रहा है, और क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आगे की डिमांड बढ़ने के भी पूरी पूरी आपके पास सारे रीजंस हैं, और वो बढ़ना ही है क्योंकि ग्रोथ है वहां पर, लो पेनिट्रेशन है, तो इसको वहां पर कैप्चर करने में कोई बुराई नहीं है। देखो दो चीजें हैं, नीचे आएगा तो वापस तो ऊपर आएगा ही ना, लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई पर किसी शेयर को ट्रेड करते हुए देखते हैं और वहां पर हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे चल के अच्छी नजर आती है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई पर है और वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, तो मैं वहां पर मना करता हूं। उसका रीजन ये है कि वहां से वो करेक्शन हो जाती है, और अगर ऊपर चला गया, देखो यहां पर जो करंट में जो प्राइस है, अगर ऑल टाइम हाई में अच्छा गैप है, तो ये जो गैप है ना, जब जैसे ही कंपनी दोबारा से हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली सेल्स एंड नेट प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू करती है, जो गैप है वो बहुत स्पीड से फिल होता है, और एक बार शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई बना दे तो उसके बाद वो डाउ थियरी में धीरे 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 वो जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको दिखाता है, लेकिन ऑल टाइम हाई तक पहुंचने से पहले का जो गैप होता है वो एकदम से मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से फिल होता है। तो जो ये गैप है ना, ये गैप है इमीडिएट फिल होने के लिए, उसके बाद आती है नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ में 200 दिन के मूविंग एवरेज या उसके नीचे आए तो हम लेते हैं, और अगर उससे ऑल टाइम हाई से नीचे ही चल रहा है और 35-40% का गैप है तो उसको इमीडिएटली ले लेना चाहिए। अब जहां तक रूल्स को तोड़ने की बात है ना, तो सब्जेक्टिव होता है ये नेचर में कि हम कब रूल तोड़े और कब नहीं तोड़े, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों को मम्मी क्या कहती है कि बेटा बारिश में नहीं जाना, क्योंकि बारिश में भीगने से आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, और बारिश में आपको बिल्कुल नहीं जाना। और अगर बच्चा बाहर खड़ा हुआ है मतलब छज्जे के नीचे अपने गार्डन में या कहीं पर, और उसको सामने 500-600 मतलब कुछ रुपये पड़े हुए नजर आते हैं, और बारिश हो रही है और बाहर उसको कुछ नोटों की गड्डी पड़ी हुई है, और वो फिर भी उठाने नहीं जाए, तो क्या होगा? मतलब मम्मी आई और मम्मी ने बोला कि बेटा तू उठाने क्यों नहीं गया, कोई और उठाकर ले गया उन पैसों को, और बच्चा बोले कि मम्मी आपने मना किया था कि बारिश में नहीं जाना, और बारिश में नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं है ना, जब सामने इतने सारे पैसे पड़े हो ना, और हमें पता है कि ये रूल तोड़ना, उन पैसों को पिक करना, मतलब ये दो इस तरह की चीजें हैं, तो पैसों को पिक ही करना चाहिए। यहां पर ये इस तरह की चीज है, तो जो मैं स्टॉक एनालाइज कर रहा हूं ना, जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर की बात कर रहा हूं, सामने पैसे पड़े हुए हैं और मैं ये कहूं कि यार मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगा, तो वो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि यहां पर सामने पैसे हैं, मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई उठाकर ले जाएगा। सेम ही चीज टास में थी, सेम ही चीज बजाज फिनसर्व में थी, सेम ही चीज अपने पीएसयू बैंक्स में थी जो पहले एनालाइज किए थे, सेम ही चीज उनमें है जो मैं अभी हाल फिलहाल में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज कर रहा हूं। तो रूल्स तोड़ने की सिचुएशन जो बात होती है ना, वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें इस चीज को समझना होता है कहां रूल तोड़ना है कहां नहीं तोड़ना है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आरएसआई को लेकर कि विवेक भाई आरएसआई तो अभी 80 पर चल रहा है और आप अभी भी इसको बाय करने के लिए कह रहे हो, तो वो सेम ही सीन है कि सामने पैसे पड़े हुए हैं यार, अभी आरएसआई को छोड़ो, पैसे उठाकर लेकर आओ। लेकिन अगर यही चीज जो स्टॉक्स में एनालाइज कर रहा हूं, अगर ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे होते तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहता कि भैया इसको कूल ऑफ होने दो, अभी ये बहुत गर्म हो गया है स्टॉक, बहुत ऊपर चला गया है, भले इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है ना, तो कोई गैप नहीं है फिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली शूट अप करेगा लाइफ टाइम हाई तक के लिए। जो लाइफ टाइम हाई तक मैं इमीडिएट शूट अप करने की बात करता हूं, उसके पीछे एक और रीजन होता है, और वो रीजन होता है कि जो बड़े लोग ऊपर के प्राइस पर फंसे हुए हैं ना, या तो बड़े लोग हैं या फिर हमारे जैसे रिटेलर्स हैं या फिर कोई और भी हैं, तो जहां जो प्राइस एक बार देख चुकी है कंपनी, जहां तक लाइफ टाइम हाई तक स्टॉक जा चुका है वहां तक वो प्राइस जाता जरूर है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो भी कम से कम इंतजार कर रहे होते हैं, और वो भी कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर की हेल्प ली जाए या किसी भी तरीके से यहां से पुशअप बनाया जाए, यहां से और बाय किया जाए और एवरेज किया जाए, कि जिससे वहां पर आए, मेरे लाइफ टाइम हाई तक आए और मैं वहां पर जाके निकल जाऊं, अपने कम से कम लॉस तो नहीं हो, मैं एवरेजिंग कर लूं। तो ये जो एवरेजिंग का पुश आता है या फिर ऑपरेटर के जो क्लाइंट फंसे होते हैं ऊपर के प्राइस पर, उनको निकालने के लिए प्राइस को ऊपर लाया जाता है। तो लाइफ टाइम जो प्राइस एक बार कोई भी अच्छी कंपनी देख लेती है ना, और उसके फिर उसके बाद में लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट आना शुरू होता है, तो लाइफ टाइम हाई प्राइस तो आता ही है। तो अगर वो बड़ा गैप है तो ज्यादा पैसे हैं, कम गैप है तो कम पैसे हैं, लेकिन पैसे सामने पड़े हैं। तो रूल्स की बात यहां पर ये होती है, हमें रूल्स को अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करना होता है और उनको समझना भी होता है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि यार
टीचर ने ऐसे बताया तो ऐसे ही, हाँ टीचर ने ऐसे बताया तो वैसे ही समझो, लेकिन अगर सिचुएशन आपके सामने चेंज होती है तो उसके हिसाब से हमें चेंज भी होना पड़ता है। तो मेरा आज का जो मैसेज था वो यही था कि RSI 80 है तो वो 80 से ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। तो सिचुएशन को समझने के लिए बिजनेस एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस आगे चल के क्यों बढ़ेगा और इसके नेट प्रॉफिट और ज़्यादा क्यों बढ़ेंगे, इसकी रेवेन्यू क्यों बढ़ेगी, हमें जनरल सेंस में जनरल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे अगर आप मेरी यस्टरडे वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने पेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को लेकर एनालिसिस की थी और उसमें ये भी थोड़े से कमेंट आए थे कि यार इसका पीई तो 113 चल रहा है, 115 चल रहा है। तो जहाँ तक पीई के महंगे और सस्ते की बात है ना, मैं कल इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लो पीई स्टॉक और ज़्यादा बेकार पर पड़े रह जाते हैं और कैसे बहुत ज़्यादा हाई पीई स्टॉक और ज़्यादा रैली करते रहते हैं। तो यहाँ पर पीई का जो मतलब है ना, ये पुराने ज़माने से मतलब होता था और जो पीई होती है वो करंट में और जो पास्ट के 12 महीने के रिजल्ट होते हैं उसके बेस पर कैलकुलेट होती है। आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हमें रिप्रेजेंट नहीं करती। हमें अपना खुद का माइंड लगाना है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में इतना अच्छा गेन क्यों देने वाला है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं कल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि पी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिकल साइंस में कैसे अप्लाई करना चाहिए, थियोरेटिकल इसका कैसे होता है। वैसे मैंने इसकी एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, बहुत पहले मीन्स 3-3.5 महीने पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, वो वीडियो इंग्लिश में है। तो मैं अभी कल एक हिंदी में नई वीडियो बना दूंगा। और जहां तक रूल्स की बात है तो मैंने आपको समझा दिया है, होप आप इस चीज को समझोगे। और फ्रेंड्स को भी शेयर करना इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि यार रूल्स कैसे करें, कैसे नहीं माने, कब इनको तोड़ें और कब नहीं तोड़ें, तो जहां पर सामने पैसे पड़े हो ना वहां पैसे उठा लेने चाहिए, अदरवाइज कोई और उठाकर ले जाएगा। तो पैसे कहां पड़े हैं और कहां नहीं पड़े हैं इसके लिए ग्रेट कंपनी की हेल्प लेना। अगर कंपनी ग्रेट है और शेयर प्राइस नीचे पड़ा हुआ है, चार्ट पैटर्न वहां पर डेवलप हो रहा है, तो बाकी रूल्स छोड़ दो और जाके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ जो कि पीई रेशो के ऊपर होगी, कि पीई रेशो हमारा कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मुझे करो।